हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लाइफ का। आज हमारे घर में एक न्यू मेहमान आने वाला है, सो उसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि बहुत टाइम से हम लोग व्लॉग्स में भी आपको बता रहे होंगे, हिंट दे रही हूँ मैं, आप लोग अज्यूम कर लो कि क्या है। बहुत ही स्पेशल चीज़ है हमारी लाइफ का, तो वो आज होने वाला है और वो हमारे घर में आने वाला है, जो न्यू मेंबर है हमारे घर का। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें पूरी रात नींद नहीं आई। मेरा गला भी जो है बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है आज। तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत सारा काम है। आरोहन गए हैं स्कूल और इंदर गए हैं नर्सरी, और क्योंकि वो उनको जल्दी आना तो वो जल्दी जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर करूँ, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम कैसे रहते हैं, कैसे हम सर्वाइव करते हैं अपनी डेली लाइफ को लेकर, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो जो मेरी खुशियाँ हैं वो भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है आज का दिन, जहाँ मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए। आप सब में व्लॉग में ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना। मैं देखूँगी हर एक को, चाहे कितनी भी मेरे को आए मैसेजेस आए, तो मैं व्लॉग में ज़रूर उनको थैंक यू बोलूँगी। एक एक बंदे को मैं पर्सनली, मैं एक एक बंदे को मैसेज का रिप्लाई करूँगी। सो ज़्यादा मैं इस ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि जो ये आज का दिन जो भगवान ने हमें दिखाया है, तो भगवान जी का तो सबसे पहले थैंक यू बोलना बनता है। मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, और हमारी फैमिली ना हो साथ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। चलो भैया भाभी नहीं आ सकते, मम्मी पापा भी इतनी दूर से नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। वो हर बार मतलब ऐसे उनको बुलाऊँ मैं तो, पहले हमने सोचा था कि हम बुलाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो लेकिन एक सडनली एक प्लान बना है ना, तो फिर इतनी जल्दी हम नहीं उनको बोल सकते कि रात को हम बोलें कि कल डिलीवरी है। क्योंकि कल रात को ही मैंने सबको फ़ोन करके बताया है कि कल डिलीवरी है। इंदर ने मुझे रात को 10 बजे आके बताया है कि कल डिलीवरी लेंगे हम गाड़ी की। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसलिए हमने ऐसा कुछ किसी को बताया नहीं अभी तक। मैंने अपनी मम्मी, मतलब मैंने अपनी मायके में नहीं बताया, मम्मी और संधू को भी नहीं बताया। संधू, मैं उनको इसलिए नहीं बता भी, मतलब सरप्राइज़ देना था मुझे एक तो, और रही बात संधू की तबीयत ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, तो संधू की अभी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ उनको परेशान करूँ मैं। नहीं तो अगर उसकी तबीयत ठीक होती, मैं एक बार बोलने की देर थी, वो ज़रूर आती, क्योंकि इतना बड़ा दिन है हमारी लाइफ का। तो बस ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ। और अगर आपको देखना है ये सरप्राइज़ क्या है, तो पूरे ब्लॉग को अच्छे से देखें, कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है आपको ब्लॉग। और मैं बस एक नॉर्मल सा एक ब्लॉग बना रही हूँ, जो रूटीन में मेरे क्या है क्या नहीं है, मतलब नॉर्मल सा मीन्स मैंने एकदम फ़ोन उठाया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे हेयर भी ऐसे मेसी से हो रहे हैं। तो कुछ खास दिन है, कुछ पता नहीं है, कल रात को पता चला कि आज वो खास दिन है। तो इसीलिए मैंने तैयारी कुछ नहीं करी है, हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे कुछ भी नहीं। पहले हमने सोचा था बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसीलिए देखते हैं अभी क्या होता है। बच्चे स्कूल गए हैं, तो उनके आने के बाद जो प्लानिंग है वो होगी, और एक न्यू फैमिली मेंबर हमारे घर में आने वाला है बहुत जल्द, मतलब कुछ ही घंटे रह गए हैं। और ये एक सपना सा है मेरे लिए, हम सब के लिए, हम पूरी रात नहीं सो पाए। जो एक्साइटमेंट जो होती है ना वो है, बट बस फिंगर क्रॉस है भगवान से, बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ सही सलामत हो जाए, हम न्यू मेंबर को अच्छे से वेलकम करें, बस यही है। और बस जल्दी से करते हैं सब कुछ, और
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये व्लॉग मुझे बहुत ही अलग बनाना है मतलब, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो सब अब भगवान ने जब इतना कुछ किया है, सेटल किया है, इतना कुछ हमारी लाइफ में सरप्राइजेस लाए हैं, तो क्या प्लानिंग है ये नहीं वो है। बट हाँ, जब वो मेंबर घर में आएगा उससे पहले हम पूजा के लिए जाएंगे मंदिर में, तो इसलिए मुझे एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी है, मतलब ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ। तो देखते एक सिंपल सा, मतलब ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक सिंपल सा चाहिए। मुझे ना तड़क भड़क चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे मुझे एक सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। कि मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए, मैं मुझे जो कपड़े मिले, आपने देखा होगा कितनी बार मैं ये चीज़ें रिपीट कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही अच्छे से वो करना है कि कपड़े पहनने हैं या कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सोचा भी है, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा भी है कि मतलब पार्टी थोड़ा सा करेंगे, बट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कैसे होता है ये सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। बस मैं जल्दी से, मैंने थ्रेडिंग भी नहीं कराई है, थ्रेडिंग भी करा के आती हूँ। मैं कभी भी टाइम से कुछ भी नहीं कराती हूँ, मैं एट ए टाइम सब कुछ डिसाइड करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। सो आद्या रेडी हो चुकी हैं। कितना एक्साइटेड हो बेटा आप? बहुत एक्साइटेड हो है ना? सस्पेंस अभी बताना नहीं है हमें, सरप्राइज को। हाँ, गुड गर्ल है। और आद्या इज रेडी है ना? आद्या एकदम तैयार है स्कूल जाने के लिए। टुडे इज फ्राइडे, तो आज फ्राइडे की यूनिफॉर्म होती है आद्या की ये वाली है ना? यस ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। आरोहन तो पूरी रात सोया नहीं, ये भी एक्साइटेड है, बट ये सो गए थे छोटू बेटी। चलो आपने कर लिया, मैं आपके कपड़े वपड़े सुखा दूँ, टॉवल वगैरह सुखा दूँ, और चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, हमारी लिफ्ट शायद खराब हो चुकी है। सो फाइनली हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। कैसे लग रहा है जहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है जो कि हम नहीं अभी रिवील करेंगे, वही जाके रिवील करेंगे। जल्दी से चलो। yes! तो कि मैं बताऊंगा। हाँ, तो लेट्स गो। तो हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं होना चाहिए, और जल्दी से चलते हैं अपने घर की एक चीज जो अनमोल चीज है वो लेके आते हैं। लास्ट बार, सो फाइनली लास्ट टाइम इस गाड़ी को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और फाइनली वो टाइम आ गया जो हम लोग आ चुके थे। हां, वो तो कुछ नहीं दे रहा, मेरे को वो नहीं दे रहा। हीरा जो है वो भी अच्छा लगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, बट ये है।
माम सहस्रीर गापुर का सहस्राजा साधु से सानो यदन रोहदी वृंदावन अस्य महिमा तो जय स्मृता पादि।
कैसी एज में बनाएगा। और ये रही हमारी क्रेटा और छोटी क्रेटा कहाँ गई? ये हमारी कार कहाँ गई? वो जा रही हमारी कार। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम पार्टी करने, डिनर करने। क्या डिनर करने जा रहे हैं? तो ये जा रही हमारी वेन्यू, जो कि हमारी न्यू कार। यस, आज तो ली है। कितनी प्यारी लग रही है ना। थू 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 चला दो जिससे कि नजर ना लगे। सुनो, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस पहला? तो कैसा लगा? मस्त, एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास। बॉटम के बाद कुछ चेंज नजर आया आज लाइफ में कि हाँ चलो जी कुछ चेंज हुआ है। 15 साल हो गए। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस है? मस्त, एकदम अच्छा। बिकॉज और होंडा की गाड़ी चलाने में बहुत ही स्मूथ, अच्छी गाड़ी है, मस्त गाड़ी है। ऐसा नहीं मानते इतने टाइम अपनी गाड़ी को छोड़ के अब कैसा लग रहा है दूसरी गाड़ी चलाना, न्यू कार चलाना? जब तक तो नहीं, मतलब घर से निकलते समय तो डर बड़ा अजीब सा लग रहा था यहाँ तक, क्योंकि मैं नर्सरी से गया हूँ, मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ जाऊँ। मैं गाड़ी लेने नहीं होगी। मैं 5 बजे तक यहीं पे था, मैंने 4 बजे का जब भी टाइम था, तभी तो हम लेट हो गए। 5 बजे तक यहीं पे था, मैंने कहा नहीं यार जाना नहीं, पुरानी गाड़ी का क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएगी बेचारी। सही बात है, अब बेचारी स्क्रैप में चली गई, उसने बहुत साथ दिया, बहुत 15 ईयर्स इतना, और विदाउट करनी, मतलब ज्यादा मेंटेनेंस नहीं कुछ। हाँ, कोई मेंटेनेंस, लास्ट के टाइम पे थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए थी उसे, बट वो ये 15 साल भी तो हो गए थे गाड़ी। इतना मेंटेनेंस नहीं चाहिए था, बट इतना फिर भी एक्सपेक्टेड 15 साल होने के बाद। हाँ, इतना वो नहीं था, 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, लेकिन बहुत ही स्मूथ चलती थी। आज भी सही से चल रही थी वो। पापा, हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम अपना जो है सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेंगे। आप मैच को लाते सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहीं पर। देखो वो खड़ी हो गई हमारी न्यू कार, ये हमारी सियाज।
फाइनली हम लोगों ने अपनी नई ड्रीम कार ले ली है और उसकी डिलीवरी हो चुकी है। फाइनली वो घर आ चुकी है अपने, और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लग रहा है। और बस भगवान करे कि हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े हम लोग। तो बस गाड़ी ले ली है, तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं रखती हूँ, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करती हूँ अकेले ही सही, क्योंकि बच्चे और पापा जो टीवी देख रहे हैं, ड्राइव करके आए हैं, 5-10 मिनट की ड्राइव करके आए हैं गाड़ी में, क्योंकि मुझे भी आगे बैठने का वो था, बहुत साल हो गए ऐसे आगे बैठे। पहले हमने सियाज चलाई, इंदर ने चलाई, और फिर उसके बाद क्रेटा चलाई, फिर अब फ्री वेन्यू में बैठे, तो सारी चीज़ों का अलग ही मज़ा है, सियाज का अलग मज़ा है। सियाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे जब दिमाग में आए थे ना हम गाड़ी लेना चाहते हैं, तो मेरा सबसे पहला एक वो था सियाज का। सियाज एक कंफर्टेबल कार है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई मुझे ये बोल देता ना कि नहीं तुम ये मत लो, क्रेटा मत लो, क्रेटा ले लो या सियाज ले लो, दोनों में से एक ले लो, बट मैं सियाज के साथ जाती हूँ, बिकॉज मुझे वो कंफर्ट लेवल पर पता है, मेरा एक अटैचमेंट अलग से, क्योंकि मुझे पता है जब पहली बार जब आई थी ना तो हम लोग बैठे थे उसमें, तो वो अलग ही कनेक्शन होता है ना उसके साथ, तो वो था। और क्रेटा भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, और वेन्यू भी अच्छी है, अभी ऑब्वियस ही बात है कि हमने ली है तो अच्छी ही होगी। और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद हमने प्लान बनाया था ये, और ये सबसे बड़ा क्रेडिट मोनू भैया को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फोर्स किया था कि अब तू फाइनल कर, तू कितना घूमेगा। इंदर ना कन्फ्यूज़ हो जाते थे चीज़ों को लेकर, मुझे भी कन्फ्यूज़ करते थे कि नहीं ये नहीं वो ले लेते, ये नहीं वो ले लेते, उसमें ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, मतलब सब कुछ एक तरफ रखो, जो मन कर रहा है वो ले लो, जो बेस्ट होगा। इन दो मैंने दो ऑप्शन दिए थे, एक ब्रेज़ा का, एक वेन्यू का। ब्रेज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, मुझे वो क्रेटा की टक्कर की थी बिल्कुल, क्योंकि 1500 cc का इंजन था, 14 something था, मतलब 1500 cc का, तो मुझे वो तो। और इंदर को पसंद थी वेन्यू, तो इसीलिए हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और इंदर को बाद में अब जब वेन्यू मिली तो इनको चाहिए थी ब्रेज़ा। सो फाइनली अब आ चुकी है हमारी न्यू कार, तो बस आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी, आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और आज मतलब चैन की नींद सोऊंगी, कल पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, सुबह से मेरा भागा दौड़ी चल रहा है, और बच्चों को ले छोड़ने जाना, लेके आना, क्योंकि इंदर चले गए थे किसी काम से, तो वही आए हैं 11:30 12 बजे करीब, फिर उसके बाद अब वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह नर्सरी जाना है भैया, वहाँ पे तो ड्यूटी पहले है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाएंगे, फिर देखते हैं कब 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 मौका मिलेगा दोबारा उस गाड़ी में बैठने का, बस उसको निहार सकते हैं हम ऊपर से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, इंदर बेचारे थक जाते हैं, उनको तो हमें कहाँ बोल। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी ही इसका एक रिव्यू जो है मैं दूंगी अपनी न्यू कार का, तो मिलती हूँ जब तक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।